मैं जयगुरु जी, मैं ये बात बोलना चाहती थी। मैं गुरु जी से मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती मैं कब से कनेक्ट हुई हूँ। अब तो ऐसा लगता है पता नहीं सालों सालों से, जन्मों से जानते हैं इनिशियली। बट मैं कनेक्ट हुई थी गुरु जी से 2019 में, मेरे ब्रदर और भाभी के थ्रू। हुआ ये था कि उस टाइम पे कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस मेरी लाइफ में चल रही थी, दैट वाज वेरी यू नो, बहुत नेगेटिविटी थी मेरी लाइफ के अंदर। कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे और कुछ आसपास का मेरा इन्वायरमेंट भी बहुत नेगेटिव हो गया था। एंड यू पीपल आर मच अवेयर अबाउट दिस थिंग कि अगर आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी होती है तो आपकी किसी के साथ भी यू नो, फैमिली में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं। मैं गुरुजी के बारे में बिल्कुल अवेयर नहीं थी। एंड एट दैट टाइम मेरे जो हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, आई बिकेम 95 kg। मेरी स्टेरॉयड चल रही थी तो इस वजह से दिक्कत ये, आई एम सो सॉरी। तो उससे क्या हुआ, 95 kg हो गया था। ना मैं उठ सकती थी ना मैं बैठ सकती थी। मतलब लिटरली रात को जब सोती थी तो मैं गुरुजी से ही, भगवान से अपने अरदास करती थी कि हे भगवान, हो आप, कि ये सारी नेगेटिविटी, ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे लिए ही है। आप सीरियसली हो, आर यू एग्जिस्टिंग? कि हम, मतलब हम एक सिर्फ आपकी मतलब बचपन से हमें सिखाया जाता है कि भगवान है, उनके आगे हाथ जोड़ना, सिर्फ वही है कि रियल में आप हैं। गुरु जी स्माइल कर रहे। एंड जब मैं दिल्ली गई थी जून में 2019 अराउंड, सो माय भाभी टोल्ड मी, छवि, शी इज़ ऑल्सो गुरु जी संगत, एंड शी टोल्ड मी कि दीदी आप मेरे साथ ना बड़े मंदिर चलो, एंड देयर इज अ थॉट कमिंग इन माई माइंड कि आपको मैं लेके चलूँ वहाँ पे। गुरु जी वो थॉट डाल रहे हैं दिमाग में। मैं ऑलरेडी इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, गुरु जी मतलब नाम तो मैं सोचती ही नहीं ना। गुरु जी एक, हम लोगों की ना एक मेंटेलिटी इस तरह से होती है, दोज आर नॉट कनेक्टेड विद गुरु। तो हमारे क्या होता है कि हम लोग वी आर थिंकिंग, ब्रिंग देम ऑन कैमरा, आई एम सो सॉरी, आई डू नॉट अंडरस्टैंड ईशान अंकल। ओके, जय गुरु जी ईशान अंकल। तो हुआ ये कि आई वॉज लिटरल मतलब वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, एंड आई वॉज थिंकिंग कि कौन गुरु। ठीक है, मैंने सुना था, मैंने स्वरूप देखे थे घर में अपने मम्मा पापा के, बट मैं कनेक्ट नहीं थी। पर जैसे जैसे छवि मेरे को सत्संग सुनाती गई, मैं आई वॉज लिटरली क्राइंग, एंड शी सेड कि आप चलो मेरे साथ बड़े मंदिर। मैंने कहा ओके फाइन, एक बारी जाते हैं। इतनी बारी मंदिर जाते हैं, रोज गुरुद्वारे जाती थी, सुबह रोज मंदिर जाती थी। मेरा रूटीन था कि ऑफिस से पहले मैंने जरूर जाना है, शिवलिंग पे जल चढ़ाती थी, पर गुरु जी के बारे में नहीं अवेयर थी। तो ऑलवेज आई वॉज थिंकिंग कि कभी तो सुनेंगे, एक तरह एक माइंड में आता है ना आपकी। तो मुझे इनफैक्ट अगर मैं नीचे बैठ जाऊँ ना फ्लोर पे, तो मुझे उठाने के लिए दो लोग चाहिए थे, इतनी मेरी सिचुएशन ख़राब हो गई थी उस टाइम पे। आई हैव वन किडनी ओनली, और उसमें भी मेरा डायग्नोस हो गया था, स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी, ऊपर से ओवरी में सिस्ट हो गई थी। तो इस वजह से आई वॉज टोटली यू नो फ्रस्ट्रेटेड। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी बहुत ज़्यादा थे उस टाइम पे। सो द डे जिस दिन मैं गुरु साहब से मिली, दैट वॉज अमेजिंग, दैट वॉज अमेजिंग। आई देर आर सो मैनी डाउट्स एंड देर आर सो मैनी क्वेश्चन इन माई माइंड कि मैंने गुरु जी से आज ये पूछना है। अच्छा गुरु जी है ना, मैंने ये पूछना है, ये पूछना है। देर आर सो मैनी लिस्ट इन माई माइंड कि आज तो मैंने सारे क्वेश्चन पूछ ही लेने हैं कि वाई मी ओनली, कि मेरे साथ ही ऐसी प्रॉब्लम क्यों है। तो हम लोग गए, जब हम बड़े मंदिर के अंदर एंटर कर रहे थे, चारों तरफ गुलाब हो गई खुशबू। मतलब संगत जी आप पता नहीं, सभी एक्सपीरियंस करते हैं इस चीज़ को। मैं इतने सत्संग सुनती हूँ तो सब में यही मैंने देखा कि हाँ लोगों को एक्सपीरियंस होता है, तो मेरा भी वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। एंड आई वाज आस्किंग कि यहाँ आसपास गुलाब है क्या? एंड माई ब्रदर टोल्ड मी कि नहीं बहन, वो जिसको गुरु जी चाहेंगे ना उसी को ये फ्रेग्रेंस आता है, सबको नहीं आ सकता और हमें नहीं आ रहा है। आई वॉज लाइक ओके, फिर भी कोई था नहीं दिमाग में, कोई ट्रस्ट नहीं था कि ठीक है होता होगा ऐसा। सो वेन वी जहाँ पे हमारा जोड़ा घर है, जहाँ पे हम एंटर करते हैं, वॉशरूम पहले आता है, तो हम लोग पहले वॉशरूम में गए। जून का महीना था संगत जी। एंड जब मैं अंदर गई हूँ तो हुआ ये कि वॉशरूम में गई ना, तो मैंने सूट सलवार पहना हुआ था, तो बेसिकली आई लिव इन मोहाली पंजाब, तो पटियाला सूट सलवार पहना हुआ था। तो वो सलवार मेरी पूरी ना गिली हो गई, पानी गिर गया उसके ऊपर और वो गिली हो गई। एंड आई वॉज थिंकिंग मंदिर आए, हम लोगों का होता है ना कि हम मंदिर जा रहे हैं तो भाई बड़े साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए, स्वच्छ एंड एवरीथिंग यू नो, सो नीट एंड क्लीन। तो
तो मैंने कहा लो कैसी जगह आई हूँ कि पहले ही कपड़े गीले हो गए, लोग क्या सोचेंगे कि ये लड़की वॉशरूम से बाहर निकल रही है और इसके कपड़े पूरे खराब हो रखे। तो ये थॉट के साथ मैं बाहर निकलती हूँ, मैंने बताया नहीं छवि को, एंड हम लोग बड़े मंदिर को गेट से अंदर एंटर करने लगे। यू डोंट बिलीव, जैसे ही हमने एंटर किया बारिश शुरू हो गई। मैंने कहा ये क्या हुआ अचानक से सबके कपड़े गीले हो गए। मैंने कहा चलो, उस टाइम पे तो मैं गुरुजी को मानती नहीं थी, तो मैं गुरुजी बोलती नहीं, भगवान जी करके बोलती थी मैं। हुआ ये कि हम अंदर गए, मेरे को मेरे ब्रदर को ओम दर्शन हुए, एंड आसमान में क्लाउड्स का प्रॉपर ओम दर्शन था। तो मैंने भी बोला कि मुझे भी दिख रहा था, भाई को भी दिख रहा था, एंड वी वर सो यू नो। भाई ने बोला ब्लेस्ड, मतलब कि बहुत अच्छा है कि तू आई है, तो देख मतलब इट्स अ गुड थिंग। तो मैंने कहा ओके होता होगा। फिर हम लोग समाधि के राउंड घूमे, दर्शन किया, चाय जल प्रसाद लिया, और अंदर हमें बैठने की एंट्री मिल गई। माई ब्रदर वॉज सो हैप्पी, ये वजह कि हम अंदर बैठने की तो जगह ही नहीं मिलती है, एंड वी आर इनसाइड। मैंने कहा ओके होता होगा, मेरे लिए नॉर्मल था बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो मैंने इतना कैजुअली लिया। आई वॉज नॉट नॉट टेकिंग इट, मुझे ब्लेसिंग है, ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी मैं। आई वॉज सिटिंग ओवर देयर एंड आई वॉज क्राइंग लाइक अ बेबी, जो एक मम्मा के लिए अपनी रोता है, मैं इस तरह से रो रही थी वहाँ पे। एंड मैंने इधर देखा उधर देखा, मैंने कहा लोग क्या सोचेंगे ये ऐसे क्यों रो रही है। तो मैंने छवि से बोला कि हो क्या रहा है मेरे साथ। छवि सेड कि इट्स योर नेगेटिविटी, इट इज़ कमिंग आउट, ये गुरु जी का अपना तरीका है, बहने दो, जो ये हो रहा है, जो ये फ्लो है, इसमें बहने दो। मैंने कहा ओके, एंड आई वॉज क्राइंग लाइक, मतलब मेरे से कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। एक तो हैवी इतना शरीर था मेरा, और मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे लिए तो बैठना ही इतना मुश्किल था। मेरे अगर लेग्स फोल्ड हो गए तो मुझे उठा के, भाई ने हाथ पकड़ के उठाता था, तो मैं मंदिर में उसने मुझे उठाया हाथ पकड़ के, फिर वहाँ से हमें इशारा कर दिया जी आप जाइए और लंगर कर लीजिए। फिर हमने लंगर किया और हम लोग घर आ गए। यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। ब्रदर से एक छोटा सा स्वरूप मिला, बहुत छोटा सा, इतना सा स्वरूप था, मेरे पास कोई स्वरूप भी नहीं था। तो वो स्वरूप लेके मैं चंडीगढ़ आ गई। मैंने वो स्वरूप को अपने मंदिर में रख दिया, मंदिर में रख दिया। अब डेली जो मन में आया, जो थॉट आना, बस बोल देना, आप देख रहे हो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो मैनी क्वेश्चन, सो मैनी कंप्लेंट्स, आई वॉज आस्किंग हिम सो मैनी क्वेश्चन, और वो शांति से सुनते थे। तो महीना, ऑलमोस्ट 3 मंथ बाद मेरी स्टेरॉयड बंद हो गई। मैंने कहा जय गुरु जी, स्टेरॉयड बंद हो गई, मेरा बीपी नॉर्मल आने लग गया, और मेरी सारी जितनी मेडिसिन थी, वेट रिड्यूस हो गया। आई बिकेम 70, 95 से मैं 70 पे आ गई। एंड डॉक्टर्स ने कहा आपको स्टेरॉयड की ज़रूरत नहीं है, अपनी डाइट ठीक रखिए एंड यू आर फाइन। मैंने कहा जय गुरु जी, कौन कर सकता है, मतलब डॉक्टर्स के ऊपर भी हैं। आई एम वर्किंग इन अ हेल्थ केयर, मैं एक हॉस्पिटल में ही जॉब करती हूँ। अरे हम बोलते हैं कि डॉक्टर भगवान है, बिल्कुल है, पर उनके ऊपर भी एक सुप्रीम पावर बैठी है जो हमें देखने को रेडी देख रही है। एंड हुआ ये कि जब ये चल रहा था, थोड़ा थोड़ा फेथ बनने लग गया, थोड़ा थोड़ा डाउट्स आते थे जैसे जैसे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी। एम आई ऑडिबल? हेलो, संगत जी, एम आई ऑडिबल? जय गुरु जी, जय गुरु जी, कुसुम जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके आई ओके ओके नीरू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मेरा वेट रिड्यूस हो गया, आई बिकेम 70, मेरी जो सिस्ट की प्रॉब्लम थी। थैंक यू कविता आंटी, थैंक यू बबीता जी। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरा वेट रिड्यूस हो गया और मेरी जो ओवरी का सिस्ट का ऑपरेट करवाया वो रिमूव हुई, और किडनी मेरी नॉर्मल साइज में आ गई, मेरी सारी स्टेरॉयड बंद हो गई। घर में भी एक ऐसा माहौल हो गया ना संगत जी, मतलब आपस में इतना प्यार, थैंक यू नीलम आंटी। तो आपस में इतना एक दूसरे के साथ अटैचमेंट, प्यार, वो फ्रस्ट्रेशन पता नहीं कहाँ चली गई, प्रॉब्लम्स वहीं हैं, हेल्थ इश्यूज मेरे बेहतर हुए, नो डाउट,
जो मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी या जो भी अदर मेरी लाइफ में दिक्कतें चल रही थी वो चल रही थी, पर कोई टेंशन नहीं थी। ऐसा लग रहा था सारी टेंशन, थैंक यू कोमल आंटी, ऐसा लग रहा था सारी टेंशन महाराज ने ले ली है। एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरी ब्लेसिंग है, दिस इज कॉल्ड ब्लेसिंग। थैंक यू ईशान जी। तो उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं आपको एक और अपना इंसिडेंट बताती हूँ। मेरा बेटा है 12 साल का, एक दिन स्कूल से आ रहा था तो रोड क्रॉस करते हैं बच्चे, तो तीन बच्चे एक साथ थे, रोड क्रॉस कर रहे थे। तो हुआ ये कि एक ट्रक आया तो बच्चों ने क्या किया, दो बच्चे तो भाग गए, ये पीछे रह गया और ये सेंटर में रोड के, डर गया। तो इसने घर में हमें बताया नहीं, मुझे भी नहीं बताया कि मम्मा ऑब्वियसली डांटेंगे या ऐसा कुछ, क्या आप अकेले क्यों क्रॉस कर रहे थे, मे भी उसके माइंड में आया ऐसा, तो इसने बताया नहीं। और ये यहाँ पे आपको भी पता चलेगा कि गुरुजी किस तरह से नेगेटिविटीज़ को दूर करते हैं घर के अंदर जो हमारे आ जाती है। तो हुआ क्या कि वो बहुत ज़्यादा डर गया उस टाइम पे और इसने हमें घर पे नहीं बताया। तो अब इसने क्या करना, इसके ड्रीम आते, इसको बहुत डरावने ड्रीम्स आते थे और ये उठ के बैठ जाता था। तो इसने मुझसे शेयर किया कि मम्मा मेरे को ना ऐसे ऐसे एक बच्चा नज़र आता है, मेरी हाइट का ही है एंड उसका वन पोर्शन पूरा जला हुआ है और ही स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ आवर डोर, घर के बाहर खड़ा है। तो मैंने कहा ओके, मैंने कहा बेटा, तो मैंने एक ही बात बोली, मैंने कहा बेटा यहाँ तो गुरुजी हैं हमारे घर में, तो गुरुजी हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई नेगेटिविटी अंदर आ ही नहीं सकती है। और गुरुजी ने बस इतना ही बोलना था और गुरुजी मेरे बेटे के मैं ड्रीम नहीं कहूँगी क्योंकि गुरुजी खुद से आते हैं, अगर गुरुजी हमारे को दर्शन देते हैं इस तरह से तो वो ड्रीम नहीं होता एक्चुअली। तो ही केम, वो अपने स्वरूप से बाहर आए हैं और सामने बैठे हैं और बोला है बच्चे को कि मैं हूँ, डरने वाली कोई बात नहीं है, जय गुरुजी, डरने की कोई बात नहीं है। ये जो मैं रोज सुबह मुझे नहीं पता कि क्या रूल्स होते हैं, रेगुलेशन क्या होते हैं, मैंने नहीं सीखे, कभी नहीं सीखे, बट मैं एक काम करती हूँ कि सुबह उठ के ना शिवलिंग पे जल चढ़ाती हूँ मंत्र जाप करके, और जो एक दिन पहले का जल होता है उस शिवलिंग में नीचे बचा हुआ वो जल मैं पूरे घर में छिड़कती हूँ मंत्र जाप करते हुए, घर के बाहर अंदर ऊपर जहाँ जहाँ हो सके वो शिवलिंग का जल जाता है और मैं वो मंत्र जाप बोलती हूँ जोर जोर से। तो हुआ ये कि गुरुजी ने बोला ये जो तुम्हारी मेरा नाम मेरा बोला कि मंद ये जो करती है ना मंत्र जाप करके जल छिड़कती है तो इस घर में कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती, मेरे लिए यही बहुत था, जय जय गुरुजी, मेरे बेटे ने बताया। और वो दिन है और आज का दिन है कभी वो ना डरा, ना उसको कभी कोई दिक्कत आई किसी भी तरह की, ना वो कभी मतलब कोई ऐसे सपना ही नहीं आता उसको अब, शुक्राना टू जी। वेल, और मैं आपको एक सुनाती हूँ मेरे ऑफिस का। गुरुजी देखो कहाँ से कहाँ कनेक्ट करते हैं। मेरे पास ना एक छोटा सा गुरुजी का स्वरूप था जो मैं बता रही हूँ कि मेरे ब्रदर ने मुझे दिया था, वो मेरे पास रखा हुआ था मंदिर में। एक दिन गुरुजी ने ऐसी ही सुबह पूजा कर रही थी अमृत वेला में, तो गुरुजी ने मेरे को थॉट डाला माइंड में कि ये स्वरूप लेके ना ऑफिस जा। मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कहा सोचा मेरी इनर वॉइस है, मैं क्यों इस चीज़ को ऐसा मतलब मैंने नहीं लिया सीरियसली एंड मैंने मंदिर में रहन दिया। अगले दिन सेम थॉट आया मेरे माइंड में, ये स्वरूप को लेके ऑफिस जा। मैंने वो स्वरूप उठाया अपने पर्स में रखा और ऑफिस चली गई रख, फिर भी कुछ नहीं थॉट दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, अच्छा है स्वरूप है अपने सिस्टम के आगे रख दिया मैंने और मैं अपना काम करा और वापस आ गई स्वरूप लेके। फिर थॉट आया, फिर वापस ले आई कि स्वरूप लेके ऑफिस जाना है। फिर यही थॉट गुरुजी ने डाला मेरे माइंड में कि स्वरूप लेके ना ऑफिस जाओ। मैंने कहा ओके, जैसी आपकी इच्छा गुरुजी। मैं वो स्वरूप लेके फिर दोबारा ऑफिस गई। उस दिन क्या हुआ, हमारे यहाँ पे एक सिक्योरिटी में एक मैडम है, इंचार्ज है, सुपरवाइजर है। मैंने उन्हें देखा सिविल ड्रेस में, मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो? तो शी सेड कि आपको पता नहीं है मैडम, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और वो वेंटिलेटर पे है। मैंने कहा ये कब हुआ? कहते दो दिन पहले ही गुरुजी ने ये थॉट मेरे माइंड में डाला था, ये स्वरूप लेके जाओ ऑफिस। मैंने कहा ओके, एंड पहला थॉट मन में
ये स्वरूप इसको दे दे, ये मेरे अंदर से आवाज आ रही थी। एंड आई वाज लाइक, गुरुजी ऐसे कैसे दे दूँ, वो तो जानती भी नहीं है आपको। मैं मानती हूँ पर वो माने ना माने, मेरे गुरु का अपमान हो गया। तो मेरे मन में ये थॉट आया, अच्छा फिर से आवाज अंदर से, ये स्वरूप दे दे उसको। मैं चुप, मैंने कहा दर्शना जी, मैंने ऐसे ही बोला उनको कि आप ना मेरे पास आइएगा, मेरे पास मेरे गुरुजी का स्वरूप है, वो महाशिव है, आप वो स्वरूप मेरे से लेके अपने बेटे के पिलो के नीचे रख दीजिए, मुझे पूरा विश्वास है मेरा आपका बेटा वेंटिलेटर से बाहर आ जाएगा। अच्छा डॉक्टर ने उनको टाइम दे दिया था कि आज आ गए तो ठीक है। मैंने कहा ओके। वो कहते वो शिवाज होता है ना, जब हम किसी परेशानी में होते हैं, मुश्किल में होते हैं ना, तो वी आर वेटिंग कि हमें कहीं से कोई रोशनी मिले, लाइट आए। उन्होंने बोला ठीक है मैडम, मैं अभी आती हूँ आपके पास। थोड़ी देर के बाद वो मेरे पास थे, बस वो स्वरूप निकाला, उनके हाथ में रख दिया। मैंने बोला करने वाले ये हैं, आप ये स्वरूप बेटे के पिलो के नीचे रख दीजिए। एक दिन छोड़ के मेरे पास कॉल आता है, संगत जी मैडम जी मुबारक हो, मेरा बेटा वेंटिलेटर से बाहर आ गया है। जय गुरु जी। अब आप खुद ही सोचिए कि हमारे महाराज क्या नहीं कर सकते। वो स्वरूप, सॉरी नीलम आंटी, थैंक यू नीलम आंटी, हाँ ये मेरा फर्स्ट सत्संग है आंटी जी, घबरा तो रही थी। अच्छा जय गुरु जी बचित्र सिंह जी। तो हुआ ये कि वो बेटा बच्चा उनका वेंटिलेटर से बाहर आ गया, और विद इन अ वीक, अच्छा हुआ क्या कि वो स्वरूप मिसप्लेस हो गया उनसे, वो मेरे पास फिर आ गए। मैडम वो ना स्वरूप मिसप्लेस हो गया, बुरा तो लगा, बड़ा ढूंढा मैंने, लॉन्ड्री में गई, हर जगह देखा, वो स्वरूप मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने कहा बस गुरु जी जिसलिए आए थे, जो उनका पर्पज था वो करके चले गए। कहते कि कुछ और दे दो आपके पास है तो। मेरे पास एक छोटा सा लॉकेट स्वरूप था गुरु जी महाराज का, मैंने वो दे दिया। मैंने कहा ठीक है आप ये ले लो, मेरे पास स्वरूप खत्म। एंड आप यहाँ पे देखिए कमाल गुरु जी का, टेस्टिंग कैसे करते हैं हमारी, मेरा टेस्ट ले रहे थे कि ये देती है कि नहीं देती है, क्योंकि स्वरूप तो खत्म थे, ये बड़ा स्वरूप आप जो देख रहे हैं ना, ये वो टेस्टिंग का ही फल है। तो हुआ ये कि वो स्वरूप मैंने, वो छोटा सा लॉकेट स्वरूप था, वो मैंने दे दिया आंटी को। तो आंटी लेके चले गए। अब मेरे मन में थॉट, ओहो एक तो स्वरूप था वो भी चला गया, अब क्या करूं। मैंने कहा देखो जैसी आपकी इच्छा गुरु जी। उसके 2-3 दिन के बाद मेरे पास एक कुरियर आता है मेरे ऑफिस में, एक ये स्वरूप, इसके साथ एक और बड़ा स्वरूप, एक और बड़ा स्वरूप, दिव्य आभा लॉकेट स्वरूप और हाथ का ब्रेसलेट स्वरूप। आई वॉज सो हैप्पी। मैंने कहा गुरु जी आप तो बहुत जल्दी सुन लेते हो, अगर आपको किसी को डायरेक्ट कोई वो यू नो मैसेज पहुंचाना है तो बस ये बैठे हैं पहुंचाने के लिए। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने देखा वो, मैंने उसकी तो फोटो अपलोड कर दी थी सीधे फेसबुक पे। एंड हुआ ये कि वो मैंने उसको खोला तो उसमें लिखा था बंटी क्वात्रा आगरा। मैंने कहा ये कौन है, मैं तो पहचानती नहीं थी अंकल को, ही इज वन ऑफ द ओल्ड संगत। वो इतने फाइन है, इतने क्लियर है अपने थॉट्स के लिए, अपनी वर्डिंग्स के लिए, मतलब बहुत अच्छी है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है संगत जी, जितनी हमारी ओल्ड संगत होती है ना, जितनी भी हमारी ओल्ड संगत है, वो सब ब्लेस्ड है, और हमें उनको उनको खुद से भी आगे आना चाहिए, और हमें उन्हें मतलब वो जो बताते हैं हमारे गुरुजी के बारे में ना, वो रियल एंड टू द पॉइंट होता है। एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई भी ओल्ड संगत सुनाती है, अपने उषा आंटी हो, बंटी अंकल हो, बहुत सारी ओल्ड संगत हैं, बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक हेरिटेज टाइप है, मतलब हमारे गुरुजी का ये पहले गुरुजी ने सबको जो उनकी संगत थी उन्होंने उनको बताया, वो हम आगे बता रहे हैं, हम आगे अपने बच्चों को बता रहे हैं, इट्स लाइक अ हेरिटेज, और ये आगे बढ़ना भी चाहिए मुझे ऐसा लगता है। ओके मैंने क्या किया, उस पर एक फ़ोन नंबर लिखा था उस कुरियर पे, मैंने उस पर फ़ोन कर दिया। मैंने कहा जय गुरु जी अंकल जी मुझे ना ऐसा ऐसा कुरियर मिला है। तो उन्होंने बताया कि हेमा आंटी ने आपका, हेमा माइसेल्फ ऑल्सो हेमा गौतम आंटी है दुबई में। एक्चुअली हुआ ये था कि रीडिंग ऑफ शिव पुराण से मुझे मेरे फेसबुक पे वो मिले थे,
रीडिंग शुभराम पेज मिला, मैंने उसे लाइक कर दिया। लाइक करा तो उससे मुझे एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिल गया। व्हाट्सएप का ग्रुप मिल गया तो उसमें बहुत सारे लोग थे। उसमें किसी आंटी ने डाला था कि मुझे ना स्वरूप चाहिए। मैंने कहा मी टू, ऐसे करके मैंने स्माइली के साथ भेज दिया था। यानी आंटी ने, हिमा आंटी ने मतलब सारा नोट करके मेरा पूछा। अब मुझे इतना नहीं लगा था कि आंटी सही में मेरे लिए इतना कुछ कर देंगे, भेज देंगे। हुआ ये, उन्होंने बंटी अंकल को बोला। बंटी अंकल ने मेरे पास इतने सारे स्वरूप दिव्यावे, थैंक यू बंटी अंकल, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और मेरे पास एक और स्वरूप पहुंच गए और लॉकेट स्वरूप भी पहुंच गया। फिर क्या हुआ एक दिन, अब देखो गुरुजी ने क्यों करा, मैं तो खुश होगी कि मेरे पास तो इतना कुछ पहुंच गया है, ठीक है। लेकिन उनके आगे भी उनकी लंबी प्लानिंग थी। अब प्लानिंग क्या है, हम हेल्थ केयर में हैं तो एक दिन वॉशरूम में ऐसी सिक्योरिटी वाली से बात कर रहे थे, कहते कि आपने क्या दिया मैम उनको कि उनका बेटा तो ठीक हो गया। मैं ऐसी बता रही थी उनको कि हमारे गुरुजी हैं ऐसे ऐसे। एक कैंसर पेशेंट वहां खड़े थे, वो आंटी जी फेसबुक पे भी मेरे फ्रेंड बन गए बाद में, वो खड़े थे और वो सुन रहे थे। तो मेरे पास आए, कहते आप किन के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे भी बताओ। देखो गुरुजी कहां से कहां कनेक्ट करते हैं। वो जो स्वरूप मेरे लिए उन्होंने भेजा था ना, लॉकेट स्वरूप, वो मैंने अपने गले में डाला हुआ था, ठीक है। वो मेरे पास आए, कहते आप किसके बारे में बात कर रहे हो, मुझे बताओ। मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे हमारे गुरु साहिब है और अच्छे अच्छों को उन्होंने ठीक कर दिया है। कहते मेरे को भी ठीक कर देंगे। मैंने कहा बिल्कुल कर देंगे। मैंने कहा बिल्कुल कर देंगे। मैंने कहा वो बैठे हैं ना, मेरे को कुछ दे दो, उनका कुछ है आपके पास। मतलब मेरे अंदर से ऐसी आवाज आई कि मतलब मैंने वो चेन उतारी, उसमें से वो स्वरूप निकाला और आंटी को दे दिया। आंटी जी ये मंत्र जाप है, और वो मंत्र जाप जो है मैंने उनको बताया, मैसेज करा, व्हाट्सएप करा, और वो लॉकेट स्वरूप दे दिया और उनको बोला आप इसका जल प्रसाद पीजिए और आप क्योर हो जाएंगे। गुरु जी मुझे पता है कि सबको ठीक कर देते, जैसे मुझे ठीक किया ऐसे ही उन्होंने सबको ठीक कर देंगे। ओके, और मैं आपको सत्संग तो बहुत सारे हैं, छोटे 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 बहुत सारे हैं। ओके, और मैं आपको बताती हूँ एक, अभी अब रिसेंट का बताती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, अभी मेरे सिस्टर इन लॉ आए थे, एक मुंबई रहते हैं एक दिल्ली रहते हैं, तो दोनों आए थे मेरे घर पे। तो हुआ यहाँ आने से पहले का, अच्छा वो स्टार्ट, हालांकि सत्संग उनका है बट आई एम शेयरिंग बिकॉज थ्रू तो यहीं से है ना, आया तो यहाँ से हुआ, शुरू तो यहाँ से हुआ था ना। हुआ ये था कि वो थोड़ी सी ना बहुत परेशान रहती थी कमर दर्द से, मतलब वो झुक नहीं सकती थी। डॉक्टर ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं हो सकता आपकी कमर दर्द का, आपको या तो ऑपरेट ही करवाना पड़ेगा और अदरवाइज आप बेड रिटन, ठीक है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, झुक नहीं सकते, सीधा लेटना है। सो मेनी इंस्ट्रक्शंस, और हमें पता है कि इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अच्छे के लिए भी देते हैं, नो डाउट। तो हुआ ये कि जब वो इंस्ट्रक्शंस उसको मिली तो उसने मुझे फ़ोन किया, दिक्कत नहीं है। मैंने कहा उनका नाम ले लो वो वहीं आ जाते हैं, ये मैंने बोला उन्हें। और उन्होंने क्या किया, वो जल मंदिर में रख दिया उनके नाम का, रोज रात को रख देती थी, सुबह वो सारे पी लेते थे। एक दिन क्या हुआ, शी कॉल्ड अप मी एंड बोला कि भाभी मेरी ना कमर दर्द चली गई है, मुझे ना कमर दर्द नहीं हो रही। मैंने कहा ओके, मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया अचानक। कहती पता नहीं मुझे भी नहीं, मैंने पूरे घर के कपड़े धोए, पर्दे धो दिए, सब कुछ धो दिए और मैं 10 बार झुकी हूँ, उठी हूँ और मैं अपनी दर्द ढूंढ रही हूँ, कहाँ है वो दर्द। मैंने कहा वो हमारे गुरुजी है करने वाले। एंड आई वाज सो हैप्पी। उसने बोला मेरी दवाइयों से मुझे छुटकारा मिल गया। मैंने कहा बैठे हैं ना, उनका शुक्राना करो, वो सबको ठीक करने वाले हैं। देखो वो संगत जिन्होंने कभी देखा ही नहीं है, ना उसके पास स्वरूप है ना कुछ है, सिर्फ नाम लेने से ही। अच्छा एक दिन क्या हुआ, उनके हस्बैंड ना ऑफिस को जा रहे थे और एक एक्सीडेंट सा हो गया, ठीक है, हल्का हुआ बट हो गया, एक्सीडेंट हो गया या पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आया था, तो पुलिस वाले ने उनको रोक लिया था। तो पता ही है कि पुलिस वाले बोलते हैं जी, अच्छा उससे पहले क्या हुआ, उनका वॉलेट चोरी हो गया, उसके अंदर सारे वो लाइसेंस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, एवरीथिंग, सारा कुछ सारा चोरी हो गया, कुछ नहीं था उनके पास। अब पुलिस वालों ने रोक लिया, जी पेपर दिखाओ, पेपर तो है नहीं जी, FIR करा रखी है, FIR दिखाओ, माने नहीं, पैसे दो, आपको पता ही है क्या होता है सिस्टम,
हमारा सोसाइटी का. एनीवे मैं उतना डीपली नहीं जाऊंगी उस बात पे. तो ऐसा कुछ हुआ और वो थोड़ा बहुत पैसा दे के घर आ गए. उसमें भी थोड़ा बहुत क्या मांगा उन्होंने, बहुत ज्यादा था, 150-100 रुपये में ही हो गया. देखो बैठे हैं गुरुजी हमारे, देख रहे हैं सब कुछ. तो हुआ ये कि घर आए तो शी वॉज वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड कि यार ये हमारे साथ हो क्या रहा है. एक तो ना उनका जो काम है वो बिजनेस है उनका बुक्स का. अब स्कूल बंद है, लॉकडाउन है, वैसे फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए हैं. उन्हीं को नहीं, सभी को हुए हैं. आई नो वी ऑल आर अवेयर अबाउट दिस. ओके सो हुआ ये कि बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मैं, भाभी मुझे बोलती है कि गुरुजी का नाम ले लो और मैं रोज़ गुरुजी का नाम लेती हूँ, फिर भी हमें इतनी प्रॉब्लम्स क्यों फेस करनी पड़ रही है. गुरुजी हैं भी, ये थॉट उसके माइंड में आता है. रात को सोते हुए शी वॉज क्राइंग एंड शी, यू नो व्हाट शी हैड डन. ऐसा कभी करना नहीं चाहिए गुरुजी, कि उसने चैलेंज किया गुरुजी को, आप हो तो मुझे दिखाओ कि आप हो, मैं तभी मानूंगी आपको, नहीं तो मैं नहीं मानती. उसने ये चैलेंज कर दिया गुरुजी को. अब हुआ ये, अगले दिन जब वो उठी, अच्छा उनके मंदिर में उन्होंने एक सेपरेट मंदिर बनाया हुआ है, मंदिर के अंदर वो जल प्रसाद रखती है. एंड वो सुबह उठी है तो वहाँ जो जल प्रसाद रखा था लोटे में ना, वो आधा आधा था ही नहीं. उसको लगा कि बच्चों ने तो नहीं निकाल लिया, वो पता चले निकाल के पी गए. तो पूछा बच्चों से, कहते हमने मंदिर में क्यों हाथ लगाएंगे, पीना है तो नीचे जाके पानी पियेंगे ना, हम मंदिर का पानी क्यों पियेंगे. तो शी वाज सरप्राइज, ये क्या हुआ. हस्बैंड से पूछा कि नहीं, पर वो पानी वो जल आधा. और उसने मुझे फोन किया, भाभी मेरे साथ ना ऐसा ऐसा हुआ, क्या ऐसा होता है. मैंने कहा बिल्कुल होता है, मैंने उषा आंटी का भी सत्संग सुना है. मैंने कहा उनके साथ भी हुआ है, वो रात को जल भर के रखते थे अपने सिराने के बगल में और सुबह वो आधा होता था. मैंने उनका भी सुना है सत्संग. मैंने कहा वो बैठे हैं, मैंने कहा हुआ क्या है. कहते मैंने ना ऐसे ऐसे चैलेंज किया था. मैंने कहा गुरुजी को नहीं चैलेंज करना, ही इज एवरीवेयर, वो सब सुन रहे हैं, वो बोलते नहीं है, वो करके दिखा देते हैं. तो वो भी डिवोटी हो गई. उन्होंने अपनी मुंबई वाली सिस्टर को बताया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, शी वॉज ऑल्सो यू नो. तो हुआ ये कि शी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड कि मैं भाभी के पास जाना है और मैंने कौन से गुरुजी है इनके बारे में पूछना है. वो मेरा स्वरूप, वो फोटो तो देखते थे, डीपी वगैरह देखते थे, स्टेटस देखते थे. तो शी वॉज ऑल्सो, तो दोनों के दोनों इस बार अभी आए हुए थे यहाँ पे चंडीगढ़ में. तो हुआ ये कि गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाला कि सत्संग करना है घर में, सत्संग करना है. संगत जी मतलब मैंने कभी सत्संग किया नहीं है, देखा जरूर है, देखती हूँ इसमें. सत्संग करना है घर में, पूरी गद्दी लगानी है उसके ऊपर, यू नो चोला एंड एवरीथिंग. वो मैंने देखा है गुलाटी भवन में है, अनुराग अंकल ने इन्विटेशन भेजा था तो मैं वहाँ गई थी चंडीगढ़ में. तो वहाँ जरूर मैंने देखा है, फूलों की सेवा दी थी आंटी ने मुझे, मैंने वो चीज़ तो करी है. पर अपने घर में मतलब मन में ख्वाहिश थी, पर मुझे लगता था मैं इस काबिल नहीं हूँ, कभी मैं अपने घर में भी सत्संग कर पाऊंगी. तो हुआ ये सत्संग करना है, गुरुजी ने थॉट डाला. मैंने दोनों को बोला ऐसा करें सत्संग करें सुबह उठ के. कहते हाँ भाभी करते हैं. मैंने कहा ठीक है करते हैं. अगले दिन सुबह उठ गए 2:30 बजे, पूरी तैयारी सफाई, सोफा सेट रेडी और उसके ऊपर एक चोला सेट कर दिया, थोड़े से फ्लावर्स लेके आए. ज़्यादा कुछ नहीं किया, हल्का फुल्का सा कुछ भी नहीं किया. मतलब मैं तो, मेरे को तो कुछ आता भी नहीं है गुरुजी, पता नहीं आप कैसे सुन लेते हो बातें मेरी, पर मुझे कुछ भी नहीं आता. तो हुआ ये कि सारा सेट किया, थोड़ा सा ओम डेकोरेट किया फ्लावर से, बस गुरुजी के आगे जोत जला दी और बैठ गए. 2 घंटे का सत्संग किया हमने, बच्चे भी बैठे, हम सब बैठे. संगत जी आप लीव नहीं करेंगे, हुआ क्या, जब वो सत्संग खत्म हुआ ना, वो सीधे वो बैठ गई नीचे, जो मुंबई से आई थी मेरी सिस्टर इन लॉ, शी वाज सेइंग कि भाभी आपने आज मुझे क्या दिया है, मैं आपको बता नहीं सकती. मैंने कहा क्या हुआ. कहते मैंने कहा मैं कौन होती देने वाली, वो बैठे हैं, वो यही स्वरूप लगाया था सत्संग में. मैंने कहा बैठे वो है, वो दे रहे हैं, मैं कौन होती हूँ देने वाली. हुआ क्या, मैंने कहा सत्संग शेयर कहते करते हैं शेयर. मैंने कहा ऑफ कोर्स करते हैं, सत्संग शेयर करने से आपका भी भला होता है और जो सुन रहे हैं उनका भी. तो हुआ ये कि उसने मुझे बताना शुरू करा कि जैसे ही वेलकम बैंड बजा,
और हमारा जोत हमने जलाई, तो जो है गुरु जी आए, कहती मैंने देखा उन्हें साक्षात आते हुए आपके घर के अंदर संगत के साथ, खूब सारी संगत पीछे से रेड चोले में। मैंने कहा जय गुरु जी। कहते घर के अंदर आए, घर के अंदर आए, पहले एक कमरे में गए, फिर दूसरे कमरे में गए, पूरा घर घूमे। मैं तो मतलब मैं बता नहीं सकती मैं क्या फील कर रही थी उस वक्त में। पूरे घर में घूमे और बोला सब चंगा है और बैठ गए सोफा में बैठ गए, वो सोफा जिसको सजाया था हमने वहां बैठ गए। मैंने ये सिर्फ सुना था, जब लोग सत्संग करते हैं ना मैं उसमें सुनती थी। एंड हुआ ये कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, वो इतना इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। मतलब मैं हमेशा रोज ही लड़ती थी गुरुजी से, आप आते ही नहीं हो, मुझे दिखते ही नहीं हो, मुझसे बात ही नहीं करते हो। जब वो बता रही थी, शायद वो भी एक जरिया था गुरुजी का बताने का कि मैं आता हूँ डफर, तू सुनती नहीं है, बस वो मेरी ही कमी है अगर मैं उन्हें नहीं सुन पा रही हूँ। तो हुआ ये कि वो आए और बैठे, उसने मुझे बताया और बोला, उससे बात करी लिटरली, और बात करके बोलते हैं तुझे ऐसा लग रहा है तू मेरे से पहली बार ही मिल रही है, पंजाबी में प्रॉपर, मुझे तो पंजाबी आती ही है। तो बोला कि पहली बार ही मिल रही है, ऐसा नहीं है, तू तो मुझे कब से जानती है, ये स्वरूप को तू पहली बार देख रही है, ऐसे बोला उसको। मैंने जय जय गुरु जी। और बोला उसके सामने, अच्छा गुरु जी पता हुआ कि उसके आंखों के सामने सारे ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग, जहां जहां शिवलिंग में उसने आज तक जल चढ़ाया था, सोमवार के व्रत करती थी पहले से, बिफोर मैरिज भी और आफ्टर मैरिज भी, जहां जहां उसने वो शिवलिंग पे जल चढ़ाया था ना, वो सारे शिवलिंग उसकी आंखों के सामने दिखा दिए गुरु जी ने, ये देख वो 12 ज्योतिर्लिंग, वो जहां जहां गई थी वो सारे उसके आंखों के सामने दिखा दिए। कहते तू तो मेरे से पहले से ही जुड़ी है, ये स्वरूप को तू पहली बार देख रही है। कहते तूने बहुत अच्छा किया तू यहां आ गई। मतलब दिखे उसको, बातें उससे हुई, ब्लेस्ड मैं फील कर रही थी कि मेरे घर में आए तो सही, घूमे तो सही। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। ये मतलब मेरी लाइफ का बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट था, मुझे ना दिख के भी दिख रहे थे, मेरी इमेजिनेशन ही इतनी चल रही थी कि वो जैसे जैसे बता रही थी मैं इमेजिन कर रही थी, अच्छा ऐसा हुआ होगा, अच्छा ऐसे घूम रहे होंगे, अच्छा ये हो रहा होगा। मतलब इट वॉज सो, मतलब वो ब्लेस्ड डे था हमारे लिए। अभी जाते जाते वो चले गए हैं दोनों, तो जाते जाते भी हमने एक बार फिर सत्संग किया। उसका बेटा ना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, वो माता रानी को मानता है, लेकिन जब से उसने गुरु जी को देखा है और गुरु जी के बारे में सुना है, वो तो बिल्कुल दीवाना है इसके, इनके पीछे, सॉरी गुरु जी, इनके पीछे दीवाना है। दीवाना कैसे? अच्छा उस दिन उसको माता रानी के दर्शन कराए गुरु जी ने, जिस दिन पहला सत्संग हुआ घर में, वो भी गौ माता के ऊपर माता रानी के दर्शन हुए। और कल जब हमने अगले 2 दिन पहले 26 तारीख को हमने फिर सत्संग किया घर में सबने मिलके, उनके जाने से पहले एक बार हमारी इच्छा थी कि हम लोग बैठ के फिर दोबारा गुरु जी का सत्संग करें, तो हम लोग कराने वाले तो वो है, मर्जी तो उनकी है, फुल प्लानिंग होती है, ठीक है। तो सब बैठ गए, तो उसको वो ना बार बार ही ना अपने आप को ऐसे ऐसे सूंघ रहा था। मतलब मैंने कहा इसको क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रहा है ये? तो बाद में कहता मामी मेरे को ना अपने अंदर से गुलाबों की खुशबू आ रही थी, एंड वो बाहर सूंघे कहीं उसको कोई खुशबू ना आए, उसको अपने अंदर से आ रही थी। मैंने कहा बच्चा यू आर ब्लेस्ड। वो बैठे हैं जो देख रहे हैं, जिन्होंने आपको देखा, आपको ब्लेस किया, और कौन है जो ये कर सकता है? मेरी लाइफ में तो बहुत ज्यादा बड़ा चेंज कर दिया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी सारी सर्कमस्टांसेस चेंज होगा, बहुत फाइनेंशियली जितनी दिक्कतें हैं सब बढ़िया हो जाएंगी, या आपकी बहुत हाई फाई जॉब लग जाएगी, या आप सीधे फॉरेन कंट्री पहुंच जाओगे। आई एम नॉट सेइंग लाइक दिस, बट प्रॉब्लम्स पीछे हैं, आगे वो खड़े हैं, आप तो पहुंचने ही नहीं देते। और मेरे जैसे इंसान, मुझे तो कुछ आते ही नहीं। एक ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। मुझे ना कोई मंत्र जपना, मुझे कोई आरती भी नहीं आती। जय गुरुजी रजनी आंटी। सच आंटी जी पता नहीं क्यों गुरुजी से जुड़ने के बाद उन्हें
यस, वो है जो रहने वाले बैठे सब वही। मैं नीलम आंटी को बोल रही थी, मुझे कुछ नहीं आता। आंटी मैं क्या बोल रहा है, मुझे तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। आंटी कहते आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना बोल जाओगे। वो सच कह रहे थे। शुक्राना गुरु जी, मुझे सच में नहीं पता था मैंने क्या बोला है। सत्संग तो बहुत है, सत्संग बहुत ज्यादा है। पर ये है कि आपके ना एक जो हम लोग आज की डे टू डे की हमारी लाइफ है ना, बहुत मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल टाइप हो गया है। मतलब भगदौड़, किसी के पास टाइम ही नहीं एक दूसरे के साथ बैठने का। तो ये सही टाइम है इनके साथ कनेक्ट होने का। इनसे ज्यादा क्लोज कोई है नहीं आपका। यही बैठे हैं जो सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब गाइड करते हैं। मुझे तो कोई भी दिक्कत होती है मैं इन्हीं को बोल देती हूँ, देख लेना। ये भी नहीं कि मैं गुस्सा, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। कितनी बार मैं बोलती हूँ गुरु जी आप हो ना, आप मेरी बातें सुन रहे हो ना, आप देख रहे हो ना। अच्छा एक और सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ, मैं शिवलिंग का। शिवलिंग का कैसे मेरे घर में शिवलिंग का क्या हुआ आया। अच्छा लोगों के एक थॉट होता है ना कि शिवलिंग घर में नहीं रखते हैं, मंदिर में नहीं रखते हैं, बाहर रखते हैं, घर के अंदर नहीं होना चाहिए। सब सबका अपना अपना नजरिया है, यू नो, देखने का, सोचने का। तो मेरे मम्मी पापा के यहाँ पे भी शिवलिंग मंदिर में ही है। तो हुआ ये कि मेरी मदर इन लॉ मुंबई गए थे, तो वहाँ क्या हुआ कि वहाँ से वो एक शिवलिंग लेके आए थे। कि मैंने बोला था कि क्या कहते हैं शिवलिंग जो है, मैंने बोला है कि हेमा ने बोला है कि शिवलिंग चाहिए मुझे, तो मैं लेके जाऊंगी उसके लिए। अब देखो वो कराने वाले वो बैठे हैं, उनको पता था कि शिवलिंग इसको चाहिए, इसने शिवलिंग को रखना है, इसकी मेरी इच्छा थी वो। और मेरे बिन बोले ही मम्मा के माइंड में ये थॉट डाल दिया और मम्मा शिवलिंग ले आए। अच्छा शिवलिंग घर पे ले आए। हुआ ये कि वो शिवलिंग को मैंने अंदर रख दिया। मम्मा ने बोला और हस्बैंड ने बोला कि शिवलिंग घर में नहीं रखते, शिवलिंग ना बाहर रखते हैं। मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है। मैंने कहा जब हम घर में रह रहे हैं, हमारे सर पे छत है, तो क्यों नहीं शिवलिंग को भी हम अंदर रख सकते हैं। मैंने कहा मैं नहीं मानती इन बातों को, बट मम्मा ने बोला नहीं रखते हैं। मैंने कहा ओके। मैंने वो शिवलिंग बाहर रख दिया, गमले में रख दिया। यूजुअली हम लोग जब घर में रखते नहीं ना, तो ये थॉट होता है सबके माइंड में। ये बहुत एक तरह से ना, मतलब इससे हमें बहुत आंसर मिलेंगे, ये जो मैं आपको सत्संग सुना रही हूँ। हुआ ये कि शिवलिंग मैंने बाहर रख दिया। एक दिन बीत गया, दो दिन बीत गया, तीसरे दिन से ना मेरे को प्रॉब्लम्स फेस, मतलब मैं हेल्थ इश्यूज शुरू हो गए। हेल्थ इश्यूज क्या शुरू हो गए कि लोअर बैक, लोअर अबडमन में मेरी बहुत पेन रहने लगी, बहुत ज़्यादा। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला कि कमाल है, इस उम्र में, आई एम 36 ईयर ओल्ड ओनली, तो इस उम्र में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती नहीं है, आपको ऐसी क्यों प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कहा मुझे नहीं पता। एंड शी हैड एडवाइज मी सो मेनी टेस्ट, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। मैंने कहा यार मैं कहाँ फंस गई, मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या प्रॉब्लम। अभी तक तो मैं 2 दिन पहले तक बिल्कुल भली चंगी थी, और आज मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने कहा गुरु जी क्या हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो हुआ और सपनों में स्नेक मेरे नजर आने लग गई मुझे। मैंने अपने ब्रदर से पूछा, मैंने कहा भाई ऐसे समझ नहीं आ रही, दिक्कत हो रही है, ऊपर से और एक माइंड में चल रहा था नेगेटिव, शिवलिंग बाहर रखा है ये गलत हो गया, शिवलिंग बाहर नहीं होना चाहिए, गुरु जी अंदर है तो गुरु जी को अंदर ही होना चाहिए, शिवलिंग मतलब मेरे गुरु, मतलब ये थॉट था मेरे माइंड में। मैंने भाई से पूछा, भाई ने कहा तुम खुद अंदर रह रही है और तुमने शिवलिंग बाहर क्यों रखा है, या तो रहो उनके साथ वहां पे। कह यार ये तो सही बोल रहा है। फिर मैंने मम्मा को समझाया, अपनी मदर इन लॉ की, मम्मा मुझे ना जिस दिन से शिवलिंग बाहर रखा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एंड आई एम फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मुझे बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। तो मम्मा को भी थोड़ा सा लगा कि यार ये कह रही है तो कोई बात है इसका मतलब। मम्मा ने बोला ठीक है रख लो अंदर। मैंने अंदर रख दिया, मतलब 2-3 डेज के बाद मैं अगेन टेस्ट के लिए गई थी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जहाँ मुझे डॉक्टर कह रहे थे दिसंबर तक टेस्ट करा ले, ऑपरेट करा लेना, आप देर इज अ स्मॉल सिस्ट, जो डॉक्टर को लग रहा था कि अंदर एक बन गई है। और 3 दिन के बाद जब मैं उठ गई तो नॉर्मल थी, मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था। जय गुरु जी। वो बैठे हैं ना, अगर गलतियां करते हैं तो उसको वो भी बता देते हैं कि बेटा ये नहीं ये है, रास्ता समझ जाओ।
तो वो शिवलिंग अंदर आ गया मेरे महाराज की कृपा से। अच्छा ये तो हुआ ही, मेरे को प्रॉब्लम हुई ही जब तक शिवलिंग बाहर रहा। अच्छा हुआ क्या कि मैं प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए गई थी तो मेरा वॉलेट चोरी हो गया। उसमें 1300-1400 रुपीज़ थे। वो तो चलो कोई बात नहीं, वो तो गुरुजी ने दिए चले गए, वो भी अपने नहीं थे इट मीन्स। लेकिन उसके अंदर मेरा आधार कार्ड, बच्चों का आधार कार्ड, हस्बैंड का आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मतलब सारा सब गायब, सारी ब्लॉक कराए। घर आके सोचो हुआ क्या मेरे साथ, हुआ क्या। अगले दिन से गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। मैंने कहा अरे तो गड़बड़ है। ब्रदर से शेयर किया, उसने यही बोला शिवलिंग को सही जगह पे रख दे, माफ़ी मांग ले और अंदर रख ले। और वो दिन है और आज का दिन है, मेरा शिवलिंग मेरे मंदिर में ही है, वहीं विराजमान है वो। रोज उन पे जल चढ़ाती हूँ मंत्र जाप, और वो जल पूरे घर में चढ़े। मेरा घर इन्होंने ही संभाला हुआ है। मेरे में इतनी अक्ल नहीं है ना, मेरे में इतनी समझ है। बहुत झटके, बहुत ज़्यादा खाए हैं लाइफ के अंदर, तब अक्ल भी नहीं थी। अक्ल होती कहाँ से, गुरु के शरण में नहीं पहुँची थी। संभाला था इन्होंने तब भी था, संभाल तो इन्होंने तब भी लिया था, पर पता नहीं था कि संभाल ये रहे हैं। आज मुझे पता है, ये बैठे हैं ना, देख रहे हैं। कोई छोटी सी भी चीज़ गलती हो जाती, इधर से उधर हो जाते, वो बैठे हैं बताने के लिए, तुरंत आ जाता है सामने आंसर। अच्छा एक और आपको सेशन सुनाती हूँ। आंटी मैं सुना सकती हूँ ना, टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ ना। नीलम आंटी वन स्मॉल सत्संग, कैन आई कंटिन्यू? जय गुरु जी रोजी आंटी, जय गुरु जी नीतू आंटी। ओके ओके नीलम आंटी, थैंक यू। छोटा सा है, नीलम आंटी सोच रही होगी अभी तो बोल रही थी मेरे को कैसे सुनाऊंगी। कविता जी थैंक यू। ओके हुआ ये, भूल गई मैं क्या सुना रही थी, छोटा सा सत्संग था अभी जस्ट मुझे याद आया था। नहीं सुनाना है, नहीं सुनाना है, गुरु जी की इच्छा नहीं है इट मीन्स। चलो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, थैंक यू। कुसुम आंटी भूल गई, गुरु साहब नहीं चाहते सुनो, सॉरी। अच्छा सॉरी आंटी, थैंक यू। पर वो भूल गई सत्संग क्या था, अभी जस्ट मुझे थोड़ी देर पहले याद था, मैंने सोचा था कि मैं सुनाऊं एंड वो माइंड से निकल गया, भूल गई। यस बिल्कुल बिल्कुल प्रीति आंटी, जब उनकी इच्छा है ना तब भी, उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये पत्ता इधर से उधर नहीं होता है। मेरे साथ सुबह भी ऐसे ही हुआ, जब मैं सत्संग ना वो दीपिका आंटी का ग्रुप है एक, उसमें अचानक से मुझे अंकल ने बोला हेमा आंटी, हेमा आंटी। मैंने कहा हे गुरुजी कहाँ से गुरुजी बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगा। मैंने अपने आप को अनम्यूट किया तो उन्होंने जो है सत्संग सुनाओ। मैंने कहा अंकल मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी एक्चुअली, और तैयार हो चुकी थी, बेटे को ब्रश कर उसके पीछे लगी हुई थी, भाग रही थी उसके पीछे पीछे। तो हुआ ये कि मैंने कहा अंकल अभी सुना दूँ सत्संग, कहते हाँ बिल्कुल सुनाइए, गुरुजी की महिमा तो कभी भी गा सकते। मैंने कहा अंकल ये बात तो आपने सही बोली, फटाफट मंदिर वाला सत्संग मैंने सुना दिया। मैंने कहा अंकल थोड़ा सा लेट हो रही हूँ, ऑफिस जा रही हूँ, फिर जय गुरु जी ये बोल के रख दिया। मैंने कहा गुरु जी टेस्टिंग तो अभी से शुरू कर दी आपने मेरी, रात को नीलम आंटी ने बोल रखा सत्संग सुनाने को। चलो आज के लिए इतना ही, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू संगत जी। आगे आप और सुनाऊंगी जब जैसे जैसे गुरु जी बोलेंगे मुझे सुनाने को। ये दिस इज माई फर्स्ट टाइम, आई होप एवरीथिंग इज ओके, है ना गुरु जी? ठीक है आंटी जी, नीलम आंटी थैंक यू सो मच। जय गुरु जी वीना आंटी, जय गुरु जी प्रीति आंटी, जय गुरु जी कोमल आंटी।